वर्ष 2015-16 तक कुल संस्थागत प्रसव में हॉस्पिटलों की हिस्सेदारी 80% से कम थी, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार में नेतृत्व में हमारी सरकार ने 2019-20 तक इसको 94% से अधिक लगभग 95% तक का लक्ष्य कर लिया है। सरकार इस लक्ष्य को 100% करने के लिए प्रयास कर रही है। इसके लिए उन्होंने अनेक योजनाएं जैसे प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान, प्रधानमंत्री मातृत्व आश्वासन, जननी सुरक्षा कार्यक्रम, जननी सुरक्षा योजना सहित अनेकों कार्यक्रम चला रखे हैं। और इसके लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी और स्वास्थ्य मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं। साथ ही साथ जो प्रश्न मैंने किया है उसके विस्तृत जवाब के लिए भी मैं माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी को धन्यवाद दूंगा। और मैं आपके माध्यम से जानना चाहूंगा कि झारखंड में प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के तहत सुविधा केंद्रों की संख्या मात्र 253 है। मेरे संसदीय क्षेत्र चतरा में 6, लातेहार में 7 और पलामू में मात्र 10 सुविधा केंद्र है। झारखंड की स्थिति अत्यंत खराब इस दृष्टि से भी है कि पिछले 2-2.5 साल में कोई भी नया प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के तहत केंद्रों की स्थापना नहीं हुई। इसलिए मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि मेरे संसदीय क्षेत्र के चतरा, लातेहार और पलामू जिले के प्रत्येक प्रखंड में कम से कम एक प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के तहत खोलने की कोई योजना है या नहीं है। माननीय अध्यक्ष महोदय, स्वास्थ्य मंत्रालय के लिए पूछा गया प्रश्नों का रिप्लाई मेरे MOS डॉक्टर भारतीबेन पवार दे रही है। माननीय अध्यक्ष महोदय, डॉक्टर भारतीबेन पवार एक आदिवासी विस्तार से आती है, आदिवासी महिला है, उन्होंने MBBS तक पढ़ाई की। कॉन्स्टिट्यूशन ने ये महिलाओं को पार्लियामेंट तक पहुंचाया, मोदी जी ने उसको मंत्रिमंडल में शामिल किया और आज वो पहली बार स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से रिप्लाई करने के लिए खड़ी हुई है। लेकिन आज विपक्ष के द्वारा एक आदिवासी महिला स्वास्थ्य क्षेत्र के प्रश्नों के रिप्लाई देश को और संसद में माननीय सदस्य को देना चाहती है, लेकिन विपक्ष के लोग उसको सुनना नहीं चाहते हैं। एक महिला का, एक आदिवासी महिला का ये उसका अपमान हो रहा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरी आपसे प्रार्थना है कि विपक्ष को कहे और विपक्ष को मेरी प्रार्थना है कि एक आदिवासी महिला को सुने, एक पढ़ी लिखी आदिवासी महिला का रिप्लाई कृपया करके सुने। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। माननीय सदस्य सप्लीमेंट्री पूछा जाते हैं जी। सदन में अभी जवाब महिला मंत्री होने के नाते, एक डॉक्टर होने के नाते और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने हमारी देश की महिला, हमारे देश के बच्चे सुरक्षित रहे इस प्रयास के साथ आज जो काम किया है, शायद ये सुनने की भावना हमारे विपक्ष में नहीं है, इसीलिए उनमें हिम्मत भी नहीं है कि वो हमारी तरफ की सुने, हमारी मातृत्व की। जो आज प्रधानमंत्री जी ने मातृत्व योजना, अनेक योजनाओं के साथ आज महिला सुरक्षित रहे, हमारी मातृत्व योजना इतने पैमाने पे लाई है, मुझे लगता है जैसे हमारे माननीय मंत्री जी मनसुख भाई ने कहा, तो उन्हें आज ये भी सुनना पड़ेगा कि जो सवाल हमारे माननीय सदस्य ने पूछा है कि मैटरनल मोर्टेलिटी रेट जो कि 2015-2014 से पहले 122 था, 122 महिलाओं की मृत्यु होती थी पर 1 लाख लाइव बर्थ, तो आज वो कम होके, आज वो डिक्लाइन होके 113 हुआ है। तो ये एक बड़ी पहल है कि हमारी मातृत्व शक्ति सुरक्षित रहे, हमारे बच्चे सुरक्षित रहे। माननीय सदस्य ने ये पूछा है कि PMSMA प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के द्वारा जो योजना हुई है, जिसमें हर महीने के 9 तारीख को हर एक महीने में हमारी मातृत्व को आइडेंटिफिकेशन हो, ट्रैकिंग हो, हाई रिस्क प्रेगनेंसी को देखने के लिए सुविधा मिलती है। तो मैं झारखंड के लिए
जो सुविधा मिली है उसमें पहले रेट हमारा डिक्लाइन होके 163 से आज 71 हुआ है मोटर फ्लड मैटरनिटी रेट का। तो मैं कहना चाहूंगी कि आज हमारी सरकार कटिबद्ध है, हमारी मातृत्व के लिए सुरक्षित है। और आज मैं वही दोहराना चाहूंगी कि देश की किसी भी शक्ति के लिए हमें कोई नहीं रोकेगा। एक महिला मातृत्व के लिए बड़े दुख के साथ मैं यहाँ कह रही हूँ कि ये भी सुनने की हिम्मत विपक्ष में नहीं है। मातृत्व योजना के साथ खड़े रहिए और हमारी जिम्मेवारियों को हम समझे। झारखंड के लिए हमारी सरकार कटिबद्ध है। जैसे माननीय सदस्य ने पूछा कि छात्रा और पलानिया में जरूर और केंद्र बढ़ाएंगे, वहाँ की राज्य सरकार से भी हम बात करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। श्री रंजीत सिन्हा निंबालकर, क्वेश्चन नंबर 262, जामयाग नामग्याल। क्वेश्चन नंबर 262 सर, टेबल कर दिया, आप प्रश्न पूछे। बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष महोजी महोदय जी। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से ये जानना चाहूंगा, जो देश में और विशेष रूप से हिमालयन क्षेत्र में ग्लोबल वार्मिंग के वजह से, क्लाइमेट चेंज के वजह से जो बहुत सारे नेचुरल डिजास्टर हो रहा है, तो इन सब का जो कारण जो है, क्या हमारे लोगों को बताने की कोशिश, अवेयरनेस करने की कोशिश माननीय मंत्रालय के द्वारा हुआ है, या रिसेंटली लद्दाख पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी के ज्यादातर कारगिल के अलग अलग क्षेत्रों में और लेह के कुछ क्षेत्रों में बाढ़ के कारण से कितना नुकसान हुआ है, कि लोगों का घर बहा है, लोगों का जो खेती नुकसान हुआ, माल मवेशी बह गया, इन सब को लेके केंद्र सरकार की ओर से और विशेष रूप से मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज की ओर से क्या क्या योजनाएं चल रहे हैं और क्या क्या ठोस कदम उठाने जा रहे हैं, ये मैं आपके माध्यम से भारत सरकार से जानना चाहता हूँ जी। सम्माननीय सभापति महोदय, माननीय सदस्य महोदय ने एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है और ये जो महत्वपूर्ण प्रश्न है ये क्लाइमेट चेंज के संबंध में है। निश्चित रूप से आज के समय में जो क्लाइमेट चेंज का विषय है वो प्रकृति और पर्यावरण के संतुलन के लिए आवश्यक है, और हम ये मानते हैं कि क्लाइमेट चेंज के सामाजिक, आर्थिक और जो बायोडायवर्सिटी है उसके ऊपर विशेष रूप से प्रभाव पड़ता है। आपने जो विशेष रूप से जो प्रश्न है वो हिमालय के संबंध में पूछा है, सरकार के द्वारा हिमालय क्षेत्र में नेशनल लर्निंग सेंटर, इसकी व्यवस्था हम लोग कर रहे हैं। दूसरी बात, हिमालय क्षेत्र के अध्ययन करने के लिए जीबी पंत नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन एनवायरनमेंट, उसके द्वारा जो है इंटीग्रेटेड इको डेवलपमेंट रिसर्च प्रोग्राम जो है सरकार के द्वारा किया जाता है। उसके अतिरिक्त भारत सरकार के द्वारा एनवायरनमेंट एजुकेशन अवेयरनेस एंड ट्रेनिंग, इस प्रकार के कार्यक्रम को भी जो हिमालयन क्षेत्र है उसके लिए किया जाता है। इसके अतिरिक्त एनवायरमेंटल इंफॉर्मेशन सिस्टम स्कीम जो है वो मिनिस्ट्री के द्वारा नियमित रूप से करके सारे जो जलवायु परिवर्तन के विषय हैं उनके अध्ययन के लिए की जाती है। भारत में द नेशनल म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री और जो उसके जो रीजनल सेंटर है उनके द्वारा भी जो क्लाइमेट चेंज है उसके एस्पेक्ट का अध्ययन किया जाता है। और अंडर द नेशनल मिशन ऑफ सस्टेनिंग द हिमालयन इकोसिस्टम, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के द्वारा जो 12 राज्य जो हिमालयन क्षेत्र के आते हैं उधर भी विशेष अध्ययन का और विशेष उसके संरक्षण के लिए कार्य किया जाता है। सतत 24 कलाक समाचार जो आ माटे डाउनलोड करो ईटीवी भारत एप।